वीडियो में हम 3.1 करेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कहता है इन द मैट्रिक्स ए, ये इसके कॉलम और रॉस दे रखे हैं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑर्डर मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ये होता है हमारा ए आई जे एम इंटू एन, और एम क्या होता था हमारा रॉ होता था, और ये एन क्या होता था हमारा कॉलम होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम और एन मतलब रॉ देखो कितने हैं, एक दो और तीन, तीन रॉ हैं, और कॉलम कितने हैं, चार कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 4, ठीक है, ऑर्डर पता चल गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलता है, ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 कितना होगा, 12, तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट द एलिमेंट 1 3, ठीक है। अब देखो 1 3 एलिमेंट मतलब फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम। अब ये फर्स्ट वाला क्या है, 19, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला 19, ठीक है, ये हमारा A13 है। उसके बाद आता है यहाँ पे A23 मतलब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट हमारा A21 है, ठीक है। देखो कैसे पता किया, यहाँ पे सेकेंड रॉ और ये वाला फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है। फिर A33 तो थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रॉ थर्ड कॉलम क्या हुआ, ये रहा हमारा थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, तो माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 5 हमारा ये हो गया A33। और A24 देखो सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम, ठीक है, सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम, सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये हो गया 12, ठीक है, ये क्या हो गया A24। और A23 सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रॉ में थर्ड कॉलम में कहाँ कटेगा, यहाँ पे, तो 5 जो है इसका क्या है, ये 5A23 है, सॉरी कचरा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, ठीक है। अब तो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे वो बोल रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इसके रॉ और कॉलम की संख्या क्या हो सकती है, मतलब कितने नंबर्स हो सकते हैं। देखो हो सकता है 2 रॉ हो और 12 कॉलम्स हों, या 12 रॉ हो 2 कॉलम्स हों, ठीक है, ऐसे हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, 6 रॉ 4 कॉलम्स, या 4 कॉलम 6 रॉस, ऐसे कुछ करके, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब जितने भी 24 की पॉसिबिलिटीज़ होगी, मतलब नंबर मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, तो हम पता कर लेंगे उतने ऑर्डर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा था कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, इसके पास सिर्फ 13 एलिमेंट हो। यहाँ पे देखो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये एक ऑड नंबर है, और अगर आपके पास ऑड नंबर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, याद रखना अगर ऑड नंबर है तो या तो इसमें सिर्फ कॉलम कॉलम है, या तो इसमें रॉ है, तो इसका ऑर्डर या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास अगेन सेम ही क्वेश्चन है, कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। देखो 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम ये देखेंगे 18 मतलब कि 18 कैसे आ सकता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, तो 9 × 2 ये ऑर्डर हो सकता है, 9 रॉ हो 2 कॉलम हो, या 2 × 9 हो सकता है, ठीक है, 6 × 3 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है ना, और भी हो सकता है 18 × 1 हो जाए कहीं, 1 × 18 हो जाए, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, तो बहुत सारे ऑर्डर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है अगर क्या होगा अगर उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हो, अगेन ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में हमारा ऑर्डर क्या बन सकता है, या तो 1 × 5 या 5 × 1, या तो इसमें रॉ होगी या तो कॉलम होगी, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं, ओके। अब यहाँ पे कहता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब इसमें कितने ऑर्डर होंगे, 4, मतलब सॉरी इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 4। अब यहाँ पे कह रहा है ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन, मतलब इस तरीके से हमें एलिमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं एलिमेंट बनाना, ठीक है ना।
यहाँ पे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या बोल रहा है हमसे, इक्वेशन हमसे बोल रहा है कि ए आई जे जो है वो आई प्लस जे अपॉन में टू का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये बोल रहा है टू इंटू टू मैट्रिक्स, तो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा होगा, तो इसमें चार ही एलिमेंट होंगे, टू इंटू टू फोर, ठीक है। तो ए वन टू, ए टू वन, ए वन टू, ए वन वन और ए वन टू, ठीक है, और ए टू वन और ए टू टू, मतलब इस तरीके से हमें एलिमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पे भी वन रखेंगे, तो हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट बनेगा। तो ए वन वन फाइंड करना है, तो वन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में टू, तो ये टू का स्क्वायर अपॉन में टू, टू का स्क्वायर फोर होता है, तो फोर का, और यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, तो ए वन वन मिल गया हमको। हम मैट्रिक्स भी बना के यहाँ पे तैयार रखते हैं, ए वन वन मतलब टू। अब क्या निकालते हैं, ए वन टू मतलब आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पे टू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री अपॉन में टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन अपॉन में टू, तो हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो ये होगा। फिर ए टू वन जो होगा हमारा क्या होगा, देखो मतलब आई की जगह पे अब टू रखना है और जे की जगह पे अब वन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई की जगह पे वन रखें, टू रखेंगे, टू प्लस वन, ए टू वन निकाल रहे हैं हम, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में, यहाँ पे टू लगा देंगे। इक्वेशन पता है ना आपको, ये इक्वेशन ये रही, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये नाइन अपॉन में टू, तो अगेन नाइन अपॉन में टू, ठीक है। अब ए टू टू, देखो फोर्थ एलिमेंट, तो आई की जगह पे क्या टू और जे की जगह पे भी टू, हमें पता है फॉर्मूला हमारा ये दे ही रखा है, आई प्लस जे अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है। तो यहाँ आई की जगह पे क्या रखूँगा मैं, टू प्लस टू अपॉन में टू, टू प्लस टू कितना होता है फोर अपॉन में टू, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन में टू, इट इज़ इक्वल्स टू एट, तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है ना, आई होप आप बाकी वाले भी लिखा ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हमें थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स, मतलब थ्री रोज होंगे फोर कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे इसमें बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्वेल्व एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर, यहाँ पे इससे हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, अच्छा मॉड लगा है तो इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें एलिमेंट्स को निकालने का, ये हाफ सॉरी हाफ सिक्को हाफ थ्री आई प्लस जे, ठीक है। अच्छा मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री इंटू फोर, मतलब एलिमेंट इसमें ट्वेल्व होंगे जिसमें थ्री रॉज होंगे और फोर कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हम भी बना लेते हैं, मतलब ए वन वन होगा, ए वन टू होगा, ए वन थ्री होगा, ए वन फोर होगा, ए टू वन होगा, ए टू टू होगा, ए टू थ्री होगा, ए टू फोर होगा, ठीक है, ए टू ए थ्री वन होगा, ए थ्री टू होगा, ए थ्री थ्री होगा, ए थ्री फोर होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला ए थ्री ए फोर वन होगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पे चार ही तो कॉलम होंगे, तीन रॉ चार कॉलम होंगे तो फोर क्यों बनाएंगे हम, तो यहाँ पे तीन रॉज हो गए चार कॉलम हो गए, ठीक है। तो हम मैं एक एलिमेंट आपको निकाल के बताता हूँ, बाकी सारे आप खुद भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आई की जगह पे पहले वन रखेंगे, क्योंकि मैं अभी ए वन वन निकालूंगा और जे की जगह पे मैं वन रखूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस थ्री इंटू वन और यहाँ पे जे की जगह पे भी वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, वन थ्री वन ज़ा थ्री प्लस वन
ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे माइनस टू आएगा, पर मॉड लगा हुआ है ये ध्यान रखना, तो टू अपॉन में टू विच इज़ इक्वल टू वन, तो ऐसे करके हमारे पास ए वन वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट इसके निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अभी आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।